लोग जो मधेश में रह रहे हैं, हर एक मधेशी जनता एक एक कंफ्यूज्ड सिचुएशन में है, और कभी नेता को देखती है, कभी संविधान को देखती है, और एक क्लियर रास्ता खोज रही है क्या करूं क्या नहीं करूं। और इस बीच में क्या हो रहा है कि विभिन्न किस्म से लोग उन लोगों को जाके प्रलोभन दे रहे हैं, और वो प्रलोभन का असर जो है पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। तो जो मधेश के विकास में, जिसका मधेश के विकास में बहुत बड़ा असर होगा, और मधेश का विकास जो है अभी एक किस्म से, मैं जो मेरे परसेप्शन में मधेश का विकास रुक गया है, इसलिए अभी जितने भी हमारे नेता लोग हैं, इन लोग नेता लोगों को बहुत ही सीरियसली सोचना चाहिए, और किसी किस्म के किसी के दबाव में नहीं आके सिर्फ जनता को आगे रख के, ये मेरे जनता है, मुझे इन्हीं के लिए करना है, इन्हीं के लिए मैं बना हुआ हूँ करके अपने आप को एक जगह रख के, और इनका इनका भविष्य अच्छा बनाने के लिए मुझे क्या करना है अपने काम में, उससे एक वो करके लाइन लाइन में डेवलप करके, और उसी अनुसार यदि काम करते हैं तो शायद मधेसी जनताओं का विकास होगा, और उनके लिए भविष्य में कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और इससे होगा कि हमारा जो राजपा का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी स्ट्रांग बनेगा, नहीं तो जनता भी वीक हो रही है, पार्टी भी वीक हो रही है, दोनों अलग अलग होते जा रहे हैं, हर एक जनता बढ़ती जा रही है, अब नेता लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, ना इधर कुछ रिजल्ट आ रहा है ना उधर कुछ रिजल्ट आ रहा है, और एक आपस में भी विश्वास का संकट आते जा रहा है। तो ये इसको हम लोग कैसे एक मधेश एक प्रदेश बोलें, कैसे जस्टिफाई करें, जो आज से एक साल पहले जो मैं ही इसके बारे में सोचती थी, आज आके मैं खुद भी कंफ्यूज सिचुएशन में हूँ कि मैं क्या बोलूँ, हम लोग एक मधेश एक प्रदेश हैं या ये 8 जिला एक अलग हो गया है, और ये 8 जिला जो है इसको सिर्फ मधेश बोलें, मतलब कुछ भी एक क्लियर कट मैसेज नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हम लोगों को जो लीडरशिप देने वाला टीम है, अभी तो टीम हो गया है, व्यक्ति नहीं रह गया, लीडरशिप देने वाला जो टीम है वो टीम अपने आप में किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है वो उद्देश्य जनता में नहीं पहुंच पा रही है। और जहां तक जनता का है वो अपनी जगह पे वो लोग अभी भी निरीह हैं, अभी भी चाह रहे हैं, अभी भी सबको यही चाह रहा है कि हम चुनाव में भाग लें, हमें चुनाव में भाग लेने का वातावरण बना दें, और राजपा खुद आके हम लोगों को वातावरण बना दे, ना कि हमारे लिए MLA कांग्रेस माओवादी आए, हमारे लिए राजपा ही आए, राजपा के नेता आए, उन लोगों का अभी भी वही इच्छा है और वही चाहते हैं। और जो कुछ संविधान में नहीं मिला है, कुछ तो मिला है, जो कुछ नहीं मिला है उसके लिए सामूहिक फिर से प्रयास करें, उसके लिए सबको मिलकर आगे बढ़ें, और आगे बढ़ेंगे तो एक बस स्टेप बाई होगा। अब उदाहरण के लिए, अब मैं ही अंगीकृत नागरिक हूँ, अभी नहीं दिया है संविधान में, लेकिन आज के दिन में मैं अंगीकृत नागरिक हूँ, मुझे आज ही तो प्रेसिडेंट नहीं बनना होगा, भविष्य में कभी किसी दिन प्रेसिडेंट बनने का जब मौका आएगा तो अलग बात है, लेकिन एक अंगीकृत नागरिक होने के नाते मुझे जो बेसिक सुविधाएं मिली हुई है एक सिटीजन को, उसमें तो मुझे उतना कमी नहीं लग रहा है। रिकॉग्निशन पहचान अलग बात है, ठीक है, मुझे लगता है मुझे कोई इंडियन नाग है तो खराब लगता है, मैं इंडियन हूँ, मेरा जन्म वहीं हुआ है, इसलिए मैं बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इंडिया में ही हूँ, और मेरी शादी नेपाल में हुई है इसलिए मैं नेपाली हूँ। तो ये जो अंगीकृत कह के जो ये परिभाषित हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा वो बना के स्टोरीज बना के इस सब सभी विकास के कार्यक्रम को स्टॉप करने से ज़्यादा है, इसको अभी ऐसे ही रख के आगे बढ़ें, और फिर उसको धीरे धीरे आप उस मुद्दा को चलाते रहिए, मुद्दा बंद मत करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुद्दा के लिए आप पूरा का पूरा विकास परियोजना ही बंद कर दीजिए, देश का विकास ही रुक जाए, हमारे मध्य का विकास ही रुक जाए। मेरे विकास से, मेरे विचार से वो अच्छा नहीं लग रहा है, मधेश में अब रास्ता का देख ही रहे हैं, प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है, कुछ विकास नहीं हो पा रहा है, ना खेती हो पा रही है, ना कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पा रहा है, ना वहाँ की महिलाएं आगे बढ़ पा रही हैं, बहुत महिलाएं जो आगे निकल के बहुत कुछ कर सकती थी वो आज इसी सब चीज़ में खोई हुई हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। अभी लोकल गवर्नेंस में कितनी महिलाएं आ जाती, एक अपॉर्चुनिटी था सभी महिलाओं के लिए, वो अपॉर्चुनिटी भी वो लोग नहीं ले पा रही हैं, और कोई आ जाएगा तो फिर कल को हम लोग किसी को बोल नहीं पाएंगे, ये तो होना ही है, होना इलेक्शन होगा, कोई ना कोई आ ही जाएगा, तो यदि हम अपनी महिलाओं को ट्रेन करके नहीं लाते हैं, आगे नहीं लाते हैं, तो ये तो हम लोग फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए फिर हम लोग एक बड़ा लॉस मधेश के लिए हो जाएगा। इसलिए मेरे विचार से लगता है कि हम लोगों को, हमारे पार्टीज़ को एकदम सीरियसली सोचना चाहिए, और चुनाव में जाके जनता के हक को कुंठित ना करें, जनता को हक दें, जनता को चुनाव में जाने दें, और जनता को कम से कम, ठीक है आप अपना मुद्दा चलाते रहिए, मुद्दा कभी भी, मुद्दा एक कैंपेन है, वो प्रोसेस है, उसमें और ऐड होते रहेगा, सॉल्यूशन आते रहेगा, फिर ऐड होगा, फिर सॉल्यूशन आएगा, लेकिन कुछ भी प्रोसेस आप स्टॉप नहीं करिए, कम से कम जनता से रिलेटेड डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टॉप नहीं होना चाहिए। मैं पर्सनली बहुत स्ट्रांगली जनता के डेवलपमेंट के बारे में ही एडवोकेट करूँगी, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि अपने डिसीजन से जनता के डेवलपमेंट को, जनता के अधिकार को कुंठित करती है
तो मुझे बहुत तकलीफ।